हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे दामाद जी, मेरी तारीफ तो करते रही हो, मेहमान आए उनका तो स्वागत कर लूं मैं। नमस्ते काजोल मैम, नमस्कार रेती मैम, नमस्ते। हाय विशाल, मीट माय हस्बैंड, नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा एक बात बताओ पेंगुइन अंकल, आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है जिससे कोई किसी के घर में जबरदस्ती रुका हो उसको निकाल सकते हो, ऐसा कोई आइडिया है? है है। क्या? लेकिन आपको बताएंगे नहीं। क्यों? हमारे छोटे जमाई को बताया तो उसने हमें ही घर से लात मार के निकाला। अरे नाम ना लो उसको हम बखत का, यहाँ तो हमारी मौज आ रही है, मौज ले रहे हैं। हाँ। है कि नहीं? अच्छा जमाई राजा, ये लाइन क्या है? आपकी लाइन इनसे पूछना है। जमाई राजा तुमसे बाद में बात करूंगी। काजोल बिटिया ये बताओ कि जमाई राजा कैसे हैं हमारे? कौन जमाई राजा? कौन जमाई राजा? अपने अजय देवगन, हमारी प्यारी बेटी काजोल के पति। ये आपकी बेटी कहाँ से हो गई? कहाँ से हो गई बैकग्राउंड? अरे ये मुंबई महाराष्ट्र से, मैं भी यूपी सहारनपुर से हूँ। तो इसमें सेम क्या है? अरे इसमें सेम ये है कि हम दोनों के ही बैकग्राउंड मैच ना करते हैं। वैसे दामाद जी आपसे एक बात करनी है। बिल्कुल भी नहीं। पिछले, अरे सुनो ना, पिछले 6 महीने से हम आपके रूम में रह रहे हैं जी। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मेरे को दूसरा रूम दे तो, ये खर्राटे बहुत लेती है। खर्राटे लेती हूँ? मैं तो मुंह से खर्राटे लेती हूँ, ये कहाँ कहाँ से खर्राटे लेते बताओ। खर्राटे मम्मी, मम्मी कैसे बात कर रही हो, कैसे बैठी, क्या बोल रही हो तुम? रेवती मैम आपने फिल्म बनाई है सलाम वेंकी, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी लगी हमें। हमें लेके भी कोई फिल्म बना? इनको लेके बनाइए आप, जैसे सलाम वेंकी बनाई ना, इनको लेके बनाइए ढीठ मंकी। ऐसी हरकतें करते हैं ये, बंदरों से केले छीन के पेड़ पे चढ़ जाते हैं ये। बंदा क्या समझाया अभी, क्या वो टैलेंट तो है? और करो ऐसी हरकतें, फिर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं सबके सामने। अरे तुम तो हमेशा सुनती हो, ये तो हम दोनों आते हैं तो डिवाइड हो जाता है तीनों में। अरे आप कब से खड़े हैं, आप इन पे बैठ क्यों नहीं जाते? इधर बैठिए आप। ये डोंट माइंड देम, ये वो ससुर दामाद का मजाक चलता रहता है। हाँ, ससुर दामाद हमारा ही तो मजाक चलता है यहाँ, हमारी बेटी का मजाक ना चलता यहाँ। मम्मी भूलो मत मेरी ससुराल में खड़ी हो तुम। ससुराल कौन सा ससुराल? अरे यूं बता, तेरा हस्बैंड तो तुझे पहचान ना रहा है, कह रही है ससुराल। मम्मी तुम अंदर चलो, बहुत हो गया, तुम बाहर खड़ी रहोगी मेरी बेइज्जती होती रहेगी, तुम अंदर चलो। क्या है बेटा, हम 6 महीने जेल के अंदर थे तभी तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, अब हम बाहर आ गए तो भी तुम्हारी बेइज्जती होती है। तो मैम आई एम रियली सॉरी, मेरी फैमिली ऐसी है, मैं कुछ नहीं करती, आप लोग अंदर चलो। हाँ जा रहे हैं। अच्छा जी प्रणाम। अच्छा जी हम चलते हैं, ये बेटी भी हमारी है। आप देखो कैसे लोगों के साथ रह रहा हूँ। क्या फैमिली है आपकी, मुझे तो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक आइडिया आ रहा है। मुझे इनको बाहर निकालने का कोई आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा काजल मैम जितनी अच्छी एक्टर हैं उतनी ही अच्छी माँ भी हैं, ये काम भी करती हैं, शूटिंग भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, बिल्कुल अपने फिल्म के किरदार की तरह। मैम एक बात बताइए, काम करना ज्यादा मुश्किल होता है कि बच्चों को संभालना? डेफिनेटली बच्चों को संभालना। आई थिंक काम के लिए मैं जाती हूँ, ऐसा लग रहा है मैं फ्रीडम, इट्स अ हॉलिडे, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग प्ले डेट, मैं रेवती मैम के साथ प्ले डेट के लिए जा रही हूँ। कभी ऐसा हुआ आपकी शूटिंग हो, अजय सर की रेस्ट हो, आपने कहा हो सिंगम आज बच्चे तुम संभालना? रेगुलर बेसिस पे, अभी भी मैं आपके शो पे आई हूँ ना जी, तो घर पे कौन बैठा है? अच्छा अच्छा, हमारे शो में हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन एक बहुत ही सीरियस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था?
उसके कितने मीम्स बनते हैं मतलब उसके। आपने बहुत सारे पढ़े होंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ। और राजय का आई थिंक वीडियो भी है, याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। हमें भी याद हो गया पता, 2 अक्टूबर को हम पंजिम गए थे, पंजिम गए थे सत्संग सुनने, फिर हमने पाव भाजी खाई, फिर पिक्चर देखने गए। हाँ फिर पिक्चर देखते, फिर घर वापिस आ गए। साथियों हर मुद्दे पे हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं। जैसे सलाम बैंकी में काजोल जो हैं वो काम भी करती हैं, अपने बच्चे को भी संभालती हैं। कईयों को लगता है कि आदमी लोग जो होते हैं दोनों काम बड़े अच्छे से कर लेते हैं, कईयों को लगता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लेडीज़ जो होती हैं वो मल्टी टास्क कर लेती हैं। आपको क्या लगता है, मज़ा आएगा अभी, कि आदमी लोग दोनों टास्क करने में अच्छे होते हैं क्या औरतें? देखना अभी फूड डलवाऊंगा इनकी फैमिलीज में मैं। जी जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम आरती है और मैं पुणे से हूँ और फिलहाल कनाडा में रह रही हूँ। कनाडा में कहाँ रहती हैं आरती आप? मैं रहती हूँ नोवा स्कोशिया में। ओह वाओ, शक्तिनगर के पीछे जो। हमें तो ऐसे बता दी जैसे हमें सारे कनाडा का पता है। ओह अच्छा जी। तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली घर के लेडीज ही घर का काम और जॉब मैनेज कर पाती है। अच्छा जी। क्योंकि मैं खुद अकेली रहती हूँ। अच्छा, और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वो अपने मम्मी को हर चीज के लिए कॉल करते हैं। अच्छा, मम्मी ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने परसों ही पूछा, मम्मी आटा कैसे गूंदना है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ मुझे बता दो। मैंने कहा अरे रुक, मैं बताती हूँ तुझे कैसे गुनना है, क्यों मम्मी को परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि औरतें ही कर सकती है ये सारा काम। बहुत अच्छी बात बोली आरती, और आप इतना प्यारा बोलती है ना, बचपन में दूरदर्शन पे पोएम्स आती थी ना जो हाय राम फिर शिकारी ने क्या किया, उसके बाद उसने चिड़िया को कैद कर लिया। धन्यवाद आरती, जो जो आटा गूंथने पे आपने अपने विचार पेश किए। आरती मैं इतनी बार कनाडा में गया हूँ, ये क्रोशिया कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह बताई आपने? नोवा स्कोशिया स्टेट है और मैं रहती हूँ हैलिफैक्स में। ओ हैलिफैक्स, ये भी हमें नहीं पता चला। मतलब वैनकूवर टोरंटो मेरे को ज्यादा पता है। ये कहाँ पड़ता है? ये अटलांटिक एरिया में, तीसरी और मुश्किल जगह। चलिए शुक्रिया आरती। थैंक यू। अरे बिंदु जी कैसी हैं आप? बिंदु जी नहीं लग रही, मेरी मॉम है। विशाल की विशाल की मॉम है। अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो कपिल सर, कैसे हो? अरे बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मुबारक हो, आपकी प्रोडक्शन बहुत मजेदार है। थैंक यू, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गॉड गिफ्ट है। बहुत बहुत बधाइयां जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल, शरद पाठक हियर फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह, इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग देखो आपने। बहुत बहुत स्वागत है पाठक साहब। मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से। अच्छा, तो कौन से भी चीज में सोल्यूशन निकालना ये हमारा मेन काम रहता है जी। मेरा कहना ऐसा है कि औरतें मर्दों को आगे नहीं जाने देती। क्यों ऐसे? चावल दाल और सब्जी, हाँ। ये तीनों का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरे साथ, हाँ। हम चपाती जब बनाते थे, हाँ। तो एशिया अफ्रीका अमेरिका सब हो जाता था। तो हमने क्या किया, वो चपाती का डिब्बा था वो उल्टा मारा तो एकदम सीधा बन गया। अच्छा जी। तो बोलते अभी ये तो हो गया, वो झाड़ू पोछा कौन करेगा। अभी हमने वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लाया। अच्छा, तो इनका ना कभी समाधान ही नहीं होता है। हर बात में कुछ ना कुछ निकाल के मर्दों को पीछे ही खींचना। एक पति बेचारा पत्नी के बोझ का मारा। पाठक साहब आपकी पत्नी भी साथ आई कि भाग के आए आप सिडनी से? अरे मैडम नमस्ते, इनकी इतनी हिम्मत आपके सामने ऐसा बोली जा रही। वो शरेआम इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए आप क्या करें, वो वही तो ट्रिक था हमारा, वो कर काम कर। आपकी टेक्निक भी सही है कि ये जो मर्जी बोलते रहे काम करवाते रहो अपना स्मार्ट वर्क। यस, बहुत अच्छा। पाठक जी अगर पता होता कि शादी के बाद ये सब करना पड़ेगा तो इंजीनियरिंग में पैसे नहीं वेस्ट करते आप। ओहो शुक्रिया पाठक साहब, आप बड़े मजेदार बातें करते हैं। बाकी अब जाके मैडम आपका क्या करेंगे वो आपका आपसे मसला, हमको क्या लेना देना। और कोई हमारे मित्र भाई बंधु? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो जी। मैं अफ्रीका से आया हूँ, मेरा नाम योगेश है। ओह गॉड, क्या बात है, क्या बात है। अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वाओ। मैं खुद कोलंबो से आया हूँ कल।
क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम योगेश वटवाना है। योगेश आपके साथ कौन आया है? मेरी वाइफ आ रही है। अच्छा, ये तो कपड़ा सस्ता मिल रहा दोनों ने? नहीं, नहीं। ये है ना, इसे बड़ा अच्छा मैचिंग, ये अफ्रीकन ड्रेस है। अफ्रीका में कहाँ रहते हैं आप? मलावी में। मलावी? ओ, पवन नगर के उस? नहीं। अच्छा जी, तो क्या आपके विचार? माय मेल इज मोर कन्वीनियंट देन फीमेल, लाइक फॉर माय, मेरे साइड से मैं जॉब भी करता हूँ, मेरा बिजनेस भी है, और मैं सुबह में झाड़ू पोछा ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के बाद में ऑफिस जाता हूँ। कभी माँ बने आप? तो आपको पता चलेगा। हाँ जी, लाइक मैं रिटर्न में आता हूँ तो डिनर भी अंकल के पका के रखता हूँ, वीकेंड में झाड़ू पोछा, लाइक वॉशिंग द डिशेज, एनीथिंग आई डू फॉर हर। आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। मैडम क्या करती है, जॉब करती है? हाय कपिल सर। हाय। एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ मैं। तो सारा काम तो वो कर रहे हैं। आपने क्या नाम बताया मैम अपना? मेरा नाम धरती है। धरती? धरती। और ये क्या है, धरती पे बोझ? भाई साहब, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है। पत्नी जो कहती करते रहो। आपको कौन सा कोई देख रहा है कि आप सफाई करने के? नहीं, सफाई सफाई करके बाहर आगे स्वेट शर्ट पहन के बैठो आराम से, क्या मजे से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो अर्चना मैम, हेलो काजल मैम, हेलो लिप्सी मैम, हेलो हेलो कपिल सर। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत कपूर, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूयॉर्क यूएसए से आया हूँ। What a international episode! डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे लगता है कि होम और वर्क में आपके मैं विचार सुनना चाहूंगा, न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये। ये सीधी दिमाग की पढ़ाई की इन्होंने। सो मुझे लगता है कि होम और वर्क हस्बैंड ज्यादा अच्छा करते हैं वाइफ से। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम डेट कर रहे थे, एवरीथिंग वॉज रोजी फ्लावरी परफेक्ट लाइफ। अच्छा जी। व्हेन वी गॉट मैरिड, उसके बाद बेबीज हुए, अब मैं कुकिंग करता हूँ, हेल्प करता हूँ कुकिंग में, क्लीनिंग में, डिशेज में, बच्चों के डायपर भी चेंज करता हूँ। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कभी कभार चाय पीने के बाद मैंने कप सिंक में नहीं रखा, हाँ, तो बोलती है कि तुम करते क्या हो। आपके दिमाग में आता है इतनी पढ़ाई करके मैं न्यूरोलॉजिस्ट बना, अभी भी कप सिंक में ना रखने की वजह से सुनना पड़ रहा है। बहुत सुटो। मैडम भी डॉक्टर हैं, क्या करती हैं? वो डेंटिस्ट हैं सर। आई हैं साथ में? नहीं सर, उन्होंने बोला, मुझे फैमिली फंक्शन था, उन्होंने, हम वी आर बिग फैन ऑफ काजल मैम एंड शाहरुख सर, उन्होंने बोला जा पुनीत जी ले अपनी जिंदगी। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। और सर मेरे जो एक बात बताइए सर, अमेरिका का वीजा नहीं मिल रहा कुछ लोगों को? वीजा तुम्हें नहीं मिला था? आप जो ये मैं कटवा दूंगा एडिट में। और कुछ मैम? इतनी इसलिए नहीं मिल रहा है, वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो, उनको डर है कि कहीं बाइडेन जी फिसल ना जाएं। अब इसको मत काटना। तो प्रॉब्लम सर बाइडेन की साइड पर है, मैम तो शी इज गॉर्जियस। देखा, यू नो, ऐसे नहीं बंदा डॉक्टर बना, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद। यार मेरे को एक मिनट बात करा दो भाई साहब से जिन्होंने रुमाल बांधा हुआ है। सर आपका स्टाइल बड़ा मजेदार लग रहा है मेरे को। क्या हाल है सर, कहाँ से आए सर आप? उल्लासनगर से। उल्लासनगर से? उल्लासनगर। अच्छा जी, और क्या करते हैं आप? मैं अभी फ्री हूँ। लड़का कमाता है, लड़का कमाता है, मैं भी फ्री हूँ। लड़का आया है, बहू आई है। अच्छा जी, बीबी आई है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरे को स्टाइल आपका बड़ा अच्छा लगा, रुमाल बांधा ना आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं फ्री हूँ। दोस्तों, अपनी फैमिली की देखभाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरे समाज को अपनी फैमिली बना लेते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं। उन्हीं में से एक हैं पूर्वी त्रिवेदी जी। पूर्वी जी भी ऐसा ही कुछ कर रही हैं जो आपके दिल को जरूर छुएगा। पूर्वी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, हेलो एवरीवन। आप प्लीज, मैं चाहूंगा पूर्वी जी के अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो इंडिया के जो
मोस्ट हैंडसम कॉमेडियन है कपिल शर्मा. थैंक यू सो मच. शुक्रिया शुक्रिया पूर्वी जी. मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ जो दिव्यांग लोगों के लिए है और ये कोशिश लगातार 20 सालों से कर रही हूँ. अच्छा जी. और मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि हमारे ग्रुप में आज ये सब बच्चे आए हुए हैं. हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, वेलकम. जिनमें से ये है अंजलि, जो पहले अपने दोनों पैरों से जैसे हमारे जैसी थी. 5 साल पहले उनके साथ एक हादसा हुआ कि उनके ऊपर से ट्रेन चली गई. ओह गॉड. और उनके दोनों पैर उस हादसे में चले गए. और उसके बाद भी वो हिम्मत रखना और कैलिपर्स की मदद से अभी वो चल रही है, जिसको हम नकली पैर बोलते हैं, पर आज वो विदाउट कैलिपर्स यहाँ पे परफॉर्म करेगी. और wow. हमारी कोशिश के लिए आज ये कपिल शर्मा का ये जो स्टेज इन दिव्यांग लोगों को मिल रहा है, सच में इट्स क्रिएटिव थॉट और इस कोशिश के लिए इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर अस. पूर्वी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद. आप हमारे शो पे आए और आपकी बातें सुन के और आप जो कर रहे हैं उससे लाखों करोड़ों लोगों को जो है इंस्पिरेशन मिलेगी. सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए. एक बार जोरदार तालियां पूर्वी जी के लिए. थैंक यू. और इन तमाम बच्चों के लिए. थैंक यू. वंडरफुल, क्या बात है. बिल्कुल, आई बिलीव के आपके इरादे सचमुच फौलादी हैं और दिखाई दे रहा है कि आप मतलब इतने इतने फौलाद से बने हैं. रियली awesome! थैंक यू सो मच. थैंक यू दोस्तों. तो दोस्तों, जाने से पहले, आज की शाम इतनी मजेदार थी. सबसे पहले तो काजल मैम थैंक यू, विशाल, रेप्ति मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और मैं बताना चाहती हूँ कपिल, मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे इतना मजा आता है कि मतलब दूसरे दिन मेरे गालों में दर्द शुरू हो जाता है कि मैं क्यों इतना हंसती हूँ. और मुझे डर लगने लग जाता है कि ये कुर्सी अगर कोई ले सकता तो यही लगे. अर्चना जी की ईमानदारी के लिए तालियां. विशाल की मम्मी जी यहाँ पे हैं जी, और ये अपनी मम्मी से बड़ा प्रेम भी करते हैं, तो माँ के ऊपर शायद कुछ पंक्तियां हैं जो विशाल कहना चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि प्लीज. अच्छा, हमारी जो फिल्म है सलाम वेंकी, वो दुनिया के आई थिंक सबसे प्योरेस्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करती है जो एक माँ और बच्चे का होता है. और मैं पर्सनली भी अपनी लाइफ में अपनी मॉम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ. मुझे अपने गुरु जी ने एक पोएम भेजी थी और मैं आप लोगों के सामने एक माँ के ऊपर एक कविता कहना चाहता हूँ. प्लीज. तो गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो दो ही लाती है. जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था. सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है. ब्यूटीफुल. माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हज लिखा ना हो. मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए केवल माँ. एक अब माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है. दवा असर ना करे तो नजर उतार दी है, माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार मानती है. वाह वाह वाह. थैंक यू थैंक यू. ब्यूटीफुल ब्रदर. थैंक यू. और आपके ऊपर माँ की दुआएं हैं, माँ का हाथ है, आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे. मैं चाहूंगा कि प्लीज अपने गुरुजी का नाम भी बताएं, इतनी खूबसूरत पोएम जिन्होंने लिखी है. मेरे गुरुजी का नाम है शोएब खान सर, जिन्होंने मुझे ना सिर्फ एक्टिंग करना सिखाया है बट मुझे जीना भी सिखाया है. तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू थैंक यू. शुक्रिया.
थैंक यू मैम. सो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और आप मुस्कुराती बहुत अच्छी लगती हैं, कृपया अपनी आंखों में आंसू ना लाएं. और खुश रहें, मस्त रहें, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने में व्यस्त रहें. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.